हाय वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ अमन स्टड फार्म के टेंट पर, और ये जेंटलमैन के साथ क्या नाम है आपका? राजू भाई मिठानी। और कहाँ से आए हो आप? मैं गुजरात आनंद से आया हूँ। आनंद से आया, द सिटी ऑफ मिल्क। यस, है ना? ऑफ कोर्स आनंद से आए हैं। और ये जेंटलमैन भी, इनके घोड़े की वीडियो बनाए बाबर। यस, है ना? आपका नाम क्या है? यासीन मलिक। यासीन मलिक भाई, ठीक है। यासीन मलिक भाई, आपका तो ये घोड़ा है जो खड़ा हुआ है पीछे, ठीक है? ये भी आप ही का? ये हमारे दोस्त है। आपका है ये? ये ये घोड़ी बच्ची है। बच्ची, आपका नाम क्या है सर? राजू भाई मिठानी। राजू भाई, और कोई फार्म का नाम? ये अमन स्टड फार्म। अमन स्टड फार्म। तो कितने घोड़े हैं आपके पास? मेरे पास 7 बच्चे, बच्ची, घोड़ी मिला के सब 7। तो लाए बस एक ही? एक ही लाया हूँ। मैं पहली बार ही आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा हॉर्स फेयर कभी नहीं देखा। वैसे तो गुजरात में सिंधी घोड़ों का बड़ा शौक चलता है। हाँ, मगर तो आपको सिंधी का शौक नहीं? काठियावाड़ी। अब मैं आया था गुजरात में, सूरत की वीडियो बनाया मैं, कठोर की बनाया, तो वहाँ पर सारे जो है सिंधी के शौकीन है। जब भरूच का साइड से छोड़ दोगे, जब आनंद, सुरेंद्र नगर, राजकोट तरफ चलने लगे, पोरबंदर, वो सब काठियावाड़ी एरिया है। ओके। और उधर काठियावाड़ी घोड़े का ही क्रेज ज्यादा है, सुरेंद्र नगर वो सब एरिया में। वहाँ तो हम आते हैं घोड़े ही काठियावाड़ी जो हम मान सकते हैं, काठियावाड़ी। लेकिन उनका इतना प्रमोशन हो नहीं रहा है जिस हिसाब से मारवाड़ी का हो रहा है, नुकरों का हो रहा है। सिंधी भी आई थिंक बलोतरा में बड़े चलते हैं। काठियावाड़ी आपको क्यों लगता है इतने प्रमोट नहीं हो रहे हुए जा रहे? वो उसकी खूबसूरती कम रहती है। मारवाड़ी घोड़े घोड़ियाँ खूबसूरत बहुत होते हैं। ऐसे नहीं है। अभी मैं पीपी सवानी हाई स्कूल में, वो हॉर्स राइडिंग स्कूल में था, वहाँ पर उन्होंने काठियावाड़ी घोड़ा निकाला था, मयूर या कोई नाम था, क्या खूबसूरत था। मगर उसमें क्या है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। मेरे ख्याल से गुजरातियों को वो रिवाल चाल का बड़ा शौक है, और इसीलिए वो सिंधी घोड़े प्रेफर करते हैं। और जो अहमदाबाद में बड़े बड़े फार्म्स है जी, वो आई थिंक मारवाड़ी के शौकीन। हाँ, और दूसरी बात क्या है, काठियावाड़ी घोड़ों में हाइट कम रहती है, तो मारवाड़ी घोड़ों की हाइट भी ज़्यादा रहती है, तो दिखने में भी मारवाड़ी घोड़े घोड़ियाँ एकदम शानदार दिखते हैं, और उसमें खूबसूरती रहती है। ओके। तो शायद ये वजह होती होगी। ओके, ठीक है। इसके बारे में बताइए, क्या नाम है इसका? ये लक्ष्मी नाम है इसका। लक्ष्मी, और कौन सी लाइन की है ये? ये बादल की बच्ची है, सांचोर। और बादल की क्या खास बात है? बादल पालनपुर का 2016 का चैंपियन बना हुआ है। ओके, ओके। और 19 महीने की है ये। तो ये पालनपुर छापी साइड शो होता? पालनपुर शो होता। कब है नेक्स्ट? अभी वो मुझे पता करना पड़ेगा, अभी मालूम नहीं। ओके, ओके, ठीक है। तो ये उसकी बेटी है जी। कितने महीने की? 19 महीने की। क्या हाइट पकड़ी है ये? अभी 57 प्लस है। और कितनी जाएगी आपको लगता है? 62 तक जाएगी। 62। आप भी हाइट के दीवाने हो कि आपको चल जाएगा? 62 नॉर्मल है। नहीं, मुझे भी हाइट तो बहुत पसंद है। हाँ, और मैं अभी और भी एक घोड़ी ढूंढ रहा हूँ हाइट वाला। आप खुद राइडिंग करते हो? हाँ, करता हूँ। ओके, और आप मलिक भाई? वो तो पहले से ही है, तीसरी जनरेशन है ये घोड़ों के साथ। ओके, ओके। सो ये बेचने लाए हो यहाँ पे? हाँ, अभी ये सेल आउट हो गई। हो गई इतनी जल्दी? यार, आप तो बहुत लकी हो। यहाँ पे फार्मर लोग, बहुत से फार्मर मुंह झुकाए बैठे हैं वहाँ पे मंडी में, बोले भाई बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है। मगर आपको क्या लगता है, वो फार्मर लोगों के पास जो आपने बच्चे घोड़ी देखा और ये बच्ची देखी, तो आपको उसमें क्या डिफरेंस? लेकिन क्या हर एक बंदा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता ना? अभी ये वो घोड़ी तो नहीं जिसका आप 20,000 डिमांड करोगे, है ना? ये तो हीरा है हमारा। तो 20,000 वाले खरीदार भी आते हैं, 40,000 भी आ जाते, 1,00,000 वाले भी आते। कितने में बेच दिए वैसे आपने? ये मैंने 4,00,000 रुपये में बेचा। माशाल्लाह, तो बहुत एक तो। लेकिन जब आप ही लोग इतने दाम में बेचोगे बच्चे, तो फिर कैसे प्रमोट होगा शौक? नहीं, मगर फिर भी ये अमीरों का शौक रह जाएगा फिर तो। अभी आप देखिए, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 ये कीमत अब है ना, ये मारवाड़ी घोड़ों में बहुत कम मानी जाती है। अब छोड़ दो, आप मिल जाएंगे 3.5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तक के घोड़े, ठीक है? उसके सामने हम इसको क्या मानेंगे फिर जी? और आपने पूरा मेला देखा होगा, तो कोई लाइन की बच्ची या घोड़ी आपको कोई कम रेट की कोई दिखाई नहीं दी? कम रेट की तो इससे ज्यादा ही बोलते हैं। 4,00,000 भी कम नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। और भी है ऐसी घोड़िया आपने, बछेरी आपने पास बेचने के लिए? मेरे पास बछेरा है। ओके, अर्बुद का है, तूफान लाइन। ओके, नंबर क्या है आपका? मेरा 9099 9099। अरे एक मिनट, मैं नंबर आपको मेरा देता हूँ, 9313 4
93134488 93134488 4 4 4 3. आप ही का नंबर दे रहे हो ना, 4883 93134488 आजकल के जमाने में, जियो के जमाने में, या नए नए सिम कार्ड चुटकी में मिलते हैं, आपको फोन नंबर याद नहीं रहता। एक जमाना था जब हम दिमाग में है ना मेमोराइज करते थे भाई, ऑफिस का नंबर ये है, मम्मी का नंबर ये, डैडी का नंबर। आजकल बच्चा घूम भी जाए बच्चा तो उसको माँ बाप के नंबर याद नहीं रहेंगे। सही बात है, उसकी वजह ये है कि मेरा घोड़ों का अकेला बिजनेस नहीं है, ये मेरे शौक से लाया। तो ये घोड़ा स्पेशल नंबर है। हाँ, ये घोड़े की जो ज्यादा बंद रहता है, है ना? बंद नहीं, चालू ही रहता है। ओके, वो फोन पे दूसरा बिजनेस जो चलता है उसका काम चलता है, तो वो बात उसमें चलती है। ओके ओके, ठीक है, चलिए। सामने वाला जो कॉल करेगा ना वो बिजी नहीं आवे, इसलिए हमने दूसरा नंबर रखा है, सामने वाले की सहूलत के लिए। ओके ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भी किसी के दर्शन हो गए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद।